हाय मेरे दोस्तों, आज मैं जब गोरखपुर से आ रहा था तो एक ऐसे आदमी से मिला जो 8 बजे रात को रिक्शा चला रहा था। जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कुछ ही समय में अपनी सारी स्टोरी बताई। उनके कुल 3 लड़के थे और वे अपने प्रत्येक लड़कों को रिक्शा चला करके पढ़ाए और अभी पढ़ा भी रहे हैं। यह खास बातचीत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, आप उसको सुने और देखें और उनकी परिश्रम को देखें। और परिश्रम करके 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं रिक्शा चला करके। यह हमारे आसपास के लोगों के लिए एक सबक है। आप भी बच्चों को पढ़ाइए और मेहनत कीजिए। आपका घर कहाँ है? यहीं रहते हैं? आप इस पूछ रहे हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं? दिन भर में कितना कमा लेते हैं? इस समय तब भी लगभग इस समय कितना बच रहा होगा आप लोग का? 300-400। रिक्शा नहीं आया था तब? कितना? 500-600। इसमें 300-400 अधिकतम। कितने लड़के हैं आपके? 3 लड़के हैं। लड़के पढ़ते उड़ते हैं कि नहीं? किस किस क्लास में हैं? इंटर 12 में। और BA कर चुके हैं। और एक 8 या 9 में है। लड़की किस क्लास में है? 9th में। अच्छा, लड़की नहीं है आपकी। घर नहीं जाते हैं? कब जाते हैं घर पे? 2 दिन 3 दिन। कहाँ घर है? हाँ, कप्तानगंज। तो ये रिक्शा आपका है कि भाड़े पे किसी का लिए हैं? कितना देते हैं भाड़ा? 1 दिन का 100 रुपया। कमाई हो या ना हो, बहुत दिक्कत है। तो क्यों नहीं अपना कर ले रहे हैं? आपका खेती गृहस्थी भी देखते हैं? खेत कितना है आपका? अच्छा, 1.5 कट्ठा की 1.5 बीघा? हाँ, 1.5 एकड़। यानी 1 एकड़ में कितना होता है? 1.5 बीघा होता है। 16 का खेती तो अच्छा है आपकी? खेती तो अच्छा है। ये बिजनेस आपको अच्छा लगता है? ये रिक्शा चलाना अच्छा लगता है? क्योंकि हाँ, और तो और भी कोई तो काम कर सकते हैं। लड़के बड़े बड़े हो गए हैं, वो लोग नहीं कमाते हैं जो BA में करते हैं। BA करके क्या करते हैं? तैयारी वगैरह करते हैं किसी सर्विस के लिए कि ऐसे ही? हाँ, तो कोई काम करें। मान लीजिए आपका भी अवस्था हो रहा है, इस समय रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन लड़कों को अच्छे मेहनत करके पढ़ाइए आप, ठीक है ना? मेहनत करेंगे, सक्सेस हो जाएंगे। एक भी लड़का सक्सेस हो जाएगा तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ना सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। चलिए आगे वाले सेशन पे। सात आठ बज गया होगा। नाम अपना बताइए। रामेश्वर में है तो आपका नाम है? चलिए ठीक है, बहुत मेहनत किया आप, धन्यवाद। रामेश्वर में है तो आपका नाम है। कितने बजे तक रहेंगे? 10 बजे रात तक। यहीं सोते हैं? कहाँ सोते हैं? स्टेशन पे सोते हैं? 10 बजे रात तक काम करते हैं, स्टेशन पे सोते हैं। चलिए बहुत मेहनत करते हैं। चलिए मेहनत कीजिए, ईश्वर भला करे सबका। धन्यवाद।